देश में कोरोना का नाम नहीं ले रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो इसमें पिछले 8 और 10 दिन का रिकॉर्ड देखें तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नवीन इलाहाबादी हैं, जो कि मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग के डॉक्टर हैं और लगातार कोविड पेशेंटों को देख रहे हैं और कोविड के स्पेशलिस्ट हैं। नवीन इलाहाबादी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी ऑफ द टाइम्स पर। धन्यवाद, थैंक यू। मामले क्यों बढ़ रहे हैं एक बार फिर? मामले जैसा कि मेरे को लगता है कि जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाता है, हर्ड इम्यूनिटी होता है जब तक कि 50-60% पॉपुलेशन कोविड से इन्फेक्ट नहीं हो जाती, तब तक एक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आता है। जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाएगा, केसेस इस तरीके से बढ़ते रहेंगे और घटते रहेंगे। अभी जैसे कि सेकेंड स्पाइक आया था लास्ट मंथ में, उसके बाद लग रहा था कि थर्ड स्पाइक नहीं आएगा, तो जिस तरीके से सर्दियां बढ़ी हैं, सर्दियों के साथ पॉल्यूशन भी बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों में जो हमारे 20,000 केस थे, अभी 26,000 हो गए हैं। इसका मुख्य कारण सर्दियां बढ़ना और पॉल्यूशन बढ़ना ही है। नवीन जी, किस तरह की फिलहाल देख रहे हैं? देखिए, अभी मुख्यतः कोरोना के ही पेशेंट, जिसे हम कोविड कहते हैं, कोरोना वायरस डिजीज के नाम से जानते हैं, उसके पेशेंट ही मुख्यतः देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे कि सर्दियां और पोल्यूशन बढ़ी है, तो अदर रेस्पिरेटरी इलनेस जैसे कि अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट तो हमें सारे साल ही देखने को मिलते हैं। इस तरीके के पेशेंट अभी ओपीडी में ज्यादा आ रहे हैं और मेनली तो ये पेशेंट डायरेक्टली हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ही पहुंचते हैं, तो उनको वहीं जाकर के देखना होता है। क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा है तो हर कोई अवॉइड कर रहा है पहले डॉक्टर को दिखाना, घर पे ही ट्रीटमेंट लेने का प्रयास कर रहे हैं सारे पेशेंट। तो जब जैसे कोई इमरजेंसी होती है, किसी का सांस ज्यादा फूलता है या खांसी होती है, तो डायरेक्टली इमरजेंसी में ही देखने को मिल रहे हैं पेशेंट। नवीन जी, क्योंकि आप कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं और एक सलाम है आपको तो कि आप इतने मुश्किल दौर में कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं तो कोविड में किस तरह का इलाज किया जाता है? कोविड में हमारे जो पेशेंट है उसको सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट माइल्ड इलनेस है, मॉडरेट इलनेस है, या सीवियर इलनेस है, या वेरी सीवियर इलनेस है। जो माइल्ड इलनेस होती है उसमें जो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल होता है, जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से नापते हैं, ये 95 से ऊपर रहता है। अगर ये 95 से ऊपर है तो इसे माइल्ड इलनेस में हम गिनते हैं। और इस तरीके के पेशेंट अपना घर पे कोविड का इलाज कर सकते हैं अगर उनकी उम्र 60 साल से कम है या उनको कोई और सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके के पेशेंट घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से कम हो जाता है तो हम हॉस्पिटल में ही जाने की सलाह देते हैं। जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, डी डाइमर के लेवल के अकॉर्डिंग, फेरेटिन एक हम टेस्ट कराते हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग, बहुत सारी दवाइयां अभी आई हैं मार्केट में और बहुत अच्छी रिजल्ट्स हैं कुछ दवाइयों के, तो हम देते हैं। जैसे कि रेमडेसिविर नाम की एक दवाई है जो एंटीवायरल है, अगर पेशेंट का फीवर नहीं टूट रहा है या खांसी बहुत ज़्यादा है या निमोनिया सिटी स्कैन तक पहुंच गया है, लंग्स तक पहुंच गया है, सिटी स्कैन में दिखने लग गया है, तो हम इस रेमडेसिविर का प्रयोग करते हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को आ रहे हैं। इसके अलावा जो पेशेंट घर पे रहते हैं जिनकी माइल्ड इलनेस है, उसको हम SCQS घर पे दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको कोई कार्डियक पैथोलॉजी ना हो और उनका पल्स रेट ज़्यादा कम ना हो, जिसे हम ब्रेडीकार्डिया के नाम से जानते हैं। इस तरीके के पेशेंट को हम घर पे SCQS दे सकते हैं, पैरासिटामोल दे सकते हैं, सिट्रिजिन दे सकते हैं और घर पे उनको मॉनिटर कर सकते हैं। नवीन जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अभी इस समय ऐसा माहौल है, कोविड के पेशेंट हैं, डेंगू अलग चल रहा है, साथ में एक वायरल जिसे हम कहते हैं वायरल फैल गया, तो इसमें पहचान कैसे हो? तीनों के सिम्टम एक जैसे दिखते हैं, कोरोना है, बुखार है, डेंगू है, तो और अगर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, फ्लू फैला तो उसमें, तो ऐसे मरीज क्या करे? हर किसी को कोविड नहीं हो सकता, लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, किसी को डेंगू हुआ और इस तरह के मरीज अगर आपके पास एडमिट है, तो कैसे मतलब पहचाने इन चीजों? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने तरुण जी। सबसे पहले तो जो हमारे कोविड में मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, एक खांसी, एक सांस लेने में दिक्कत, तीसरा बुखार, फीवर, ठीक है। ये तीनों लक्षण हमारे 3 से 7 दिन में आ जाते हैं, क्योंकि जो वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 7 दिन का है। जैसे कि आज अगर मेरी बॉडी में वायरस गया है तो 3 से 7 दिनों में वो लक्षण दिखाएगा। इन 3 लक्षणों के अलावा हमारे छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, माइल्जिया हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, स्पुटम हो सकता है, लेकिन जो मेन लक्षण हैं जिसको हम अदर वायरल इन्फेक्शन से डिफरेंशिएट करते हैं,
वो होता है लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। ये मेनली मीठी चीजों से या खट्टी चीजों से पेशेंट को टेस्ट नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा किस चीज की स्मेल है। लेकिन ये सिम्टम फीवर होने के 2 से 3 दिन बाद आता है और फीवर ठीक होने के बाद तक लंबे समय तक ये सिम्टम परसिस्ट करता है। तो इसके माध्यम से हम पहचानते हैं कि अदर वायरल इन्फेक्शन से ये कोई अलग वायरल इन्फेक्शन है और ये कोविड हो सकता है। रही बात डेंगू की, डेंगू करने के लिए जैसे कि हम पेशेंट कोविड के होते हैं या वायरल के होते हैं, तो पेशेंट का सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। अगर कंप्लीट ब्लड काउंट में प्लेटलेट काउंट कम है, 1 लाख से कम है, नॉर्मली तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती हैं, अगर ये 1 लाख से कम है तो हम डेंगू सस्पेक्ट करते हैं। डेंगू सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम पेशेंट का डेंगू सीरोलॉजी करवा सकते हैं और NS1 एंटीजन जिसको कहते हैं डेंगू का, वो करवा सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो डायरेक्टली डेंगू हो जाता है। तो कुछ पेशेंट कोरोना है निकल गए, तो आपको किस तरह की मुश्किल आती है? आप क्योंकि कोविड में ड्यूटी करते हैं, कोविड के पेशेंट आप देखते हैं, कोविड है साथ में डेंगू निकल गया, हालांकि दिल्ली में 1-2 मामले आए हैं इस तरह के, तो किस तरह की मुश्किल आती है? देखिए, अगर कोविड माइल्ड टू मॉडरेट है, इसका मतलब पेशेंट ज़्यादा सिक नहीं है, पेशेंट को ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, उसका प्लेटलेट कम है, तो जो डेंगू में होता है वो भी 10 से 15 दिन में प्लेटलेट बढ़ने लगता है, हमें वेट एंड वॉच करना होता है। और कोविड चूंकि एक वायरल इलनेस है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस है तो उसमें भी हमें वेट एंड वॉच ही करना होता है। अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस नहीं है तो ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लेटलेट भी अपने टाइम से बढ़ता है और ये वायरल इन्फेक्शन भी अपने टाइम से ठीक होता है। लेकिन पेशेंट अगर सीवियर इलनेस में लैंड अप करता है, सीवियर इलनेस कहते हैं अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है, या पेशेंट को अदर सिम्टम्स हैं जैसे रीनल फेलियर के साइंस हैं, लिवर फेलियर के साइंस हैं, तो ऐसे कोविड के पेशेंट को हमें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। और साथ में अगर डेंगू भी है तो प्लेटलेट भी कम रहती है, तो ऐसे में हमें प्लेटलेट भी चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि हम कोविड के साथ में प्लेटलेट भी चढ़ा सकते हैं। तो दोनों का इलाज हमें साथ में ही करना होता है, दोनों बीमारियों का। लेकिन एक बीमारी पहले से है, अगर दूसरी साथ में हो जाए तो फिर उसकी सीरियसनेस ज़्यादा हो जाती है और पेशेंट का जो आउटकम है, जो डिजीज से बाहर निकल के आने की जो क्षमता है, वो कम हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स और ज़्यादा सीरियस माने जाते हैं। एक चीज जो मैं वो आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में तरह तरह की अफवाहें फैलती हैं और लोगों को डराया जाता है आपको कोविड हो गया या आपको डेंगू हो गया तो अपना चेकअप कराइए, इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है। लेकिन जैसे घर में रह रहा है कोई पेशेंट, वो सेल्फ आइसोलेटेड है, तो उसके लिए भी कुछ नियम है? या फिर अगर कोई रहना चाह रहा है, सरकार ने भी कहा है कि आप सेल्फ आइसोलेटेड रहिए, उसे किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो सारे पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं तो आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 95% से ऊपर है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी नहीं है, हल्की पुल्की खांसी इसमें रहती है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी है तो पेशेंट का सीटी स्कैन करना पड़ेगा। सीटी स्कैन में निमोनिया भी हो सकता है, उसकी स्कोरिंग की जाती है माइल्ड मॉडरेट सीवियर। तो अगर मॉडरेट इलनेस है, सीवियर इलनेस है, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन का भी जरूरत पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है, अगर पेशेंट का फीवर नहीं टूट रहा है, आप 2 से 3 दिन तक वेट कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन बाद भी पेशेंट को अगर 100 से ऊपर फीवर आ रहा है तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाना है, या पेशेंट का एज ज़्यादा है, 60 अबव है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाना है माइल्ड इलनेस में भी, एज पर गाइडलाइंस, जो अभी तक हमारी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं इसकी बन पाई हैं। अभी जितनी भी गाइडलाइंस WHO की या हमारे पास और अदर जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा एक मैंने आपको बताया, पेशेंट को बुखार नहीं टूट रहा है, पेशेंट को खांसी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 95% से कम है, पेशेंट एल्डरली एज ग्रुप में है 60 से ज़्यादा, या पेशेंट को अदर इलनेस है जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई CVA का हिस्ट्री है, कोई CAD का हिस्ट्री है, CAD कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज और सीवियर सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट्स, इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको क्रॉनिक इलनेस है, कोई ल्यूकीमिया है, कोई कैंसर है, इस तरीके के पेशेंट को बेटर है कि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में ही रखें। और अगर आप घर पे क्वारंटीन हो रहे हैं तो किसी ना किसी डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आप जरूर रहिए, चाहे वीडियो कॉलिंग से, या आपके घर में कोई है जो आपका ध्यान रख सकता है, या फिर कोई मॉनिटर कर रहा है आपका ऑक्सीजन पल्स रेट, तो घर पे रहना है। लेकिन अगर जब घर पे रहना है तो ऑक्सीजन कैसे नापते हैं? आती है। अच्छा, ऑक्सीजन नापने के लिए हमारे पास एक ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ये हर पेशेंट घर पे ऑक्सीजन इससे नाप सकते हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक पल्स आती है और दूसरा आता है ऑक्सीजन लेवल। जो SpO2 लिखा हुआ है वो ऑक्सीजन लेवल है, और जो PR लिखा हुआ है वो पल्स रेट है। पल्स रेट अगर हमारी 60 से कम किसी पेशेंट्स की जाती है, एंगा या सस्पेक्ट,
हर आदमी नहीं ये, ये 1500 रुपए से लेकर के, बल्कि आजकल तो मार्केट में 700-800 में भी अवेलेबल हैं, 1500 रुपए से लेकर के 4000 तक रेट इसके वेरी करते हैं। तो जो हमारे सस्ते वाले हैं 600-700 रुपए के, 800 रुपए के, वो हर कोई इसको लेकर के घर पे मॉनिटर कर सकता है। और हमारा दिल्ली सरकार भी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनको ये घर पे प्रोवाइड कर रही है। तो घर पे आप पल्स रेट ऑक्सीजन जरूर मॉनिटर करिए अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट घर पे है, और अगर उसकी पल्स रेट 60 से कम है या उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो SCQS नाम की जो दवाई आती है जो हम घर पे देते हैं वो नहीं दी जाती है उस समय में। अदर दवाइयाँ जो अदर हैं, जो हमारे एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है, कुछ लोग डॉक्सी आइवरमेक्टिन इस तरीके की दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, और मेफ्टाल फोर्ट आती है जो कि फीवर में अच्छी रहती है, इस तरीके की दवाइयाँ आप घर पे दे सकते हैं। पानी ज़्यादा लेना है, लेमन वाटर लेना है, कोकोनट वाटर लेना है अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं, किडनी के पेशेंट हैं और अगर आपका पोटेशियम लेवल ज़्यादा रहता है तो कोकोनट वाटर का प्रयोग मत करिएगा। अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करने हैं, फ्रूट्स लेना है, हल्की डाइट लेनी है, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है, और घर पे ही हल्का फुल्का एक्सरसाइज आपको करते रहना है। क्योंकि जो मेन दो दिक्कतें हैं इसमें आती हैं कि पेशेंट बहुत वीकनेस फील करता है, डिप्रेशन फील करता है, वीकनेस फील करता है, तो इन चीज़ों को दूर रखने के लिए आप जिस भी रूम में आइसोलेट हैं या अगर आपके पास कोई बालकनी है उसमें वॉक जरूर करिए, वॉक जरूर करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, और न्यूज़ मत सुनिए, नेगेटिविटी को अपने पास मत आने दीजिए। किसी तरीके से करके 10 दिन आपको निकालने हैं घर पे ही। और अगर कोई किसी भी तरह की हो तो टीवी चैनल देखेगा ही ना सर? जी हाँ बिल्कुल, टीवी चैनल देखिए, बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप कोई भी ऐसी न्यूज़ जिसमें नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स दिखाए जा रहे हैं या बातें हो रही हैं तो वो आप अवॉइड कीजिए। थोड़े कॉमेडी चैनल्स या कॉमेडी मूवी इस तरीके की आप देख करके अपने बात करें सर की बीच में कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, बीपी हाई के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, अगर ये हो जाता है या ना हो ये कैसे ध्यान रखें, या हो जाए तो ये क्या करें इस तरह के पेशेंट? क्योंकि डायबिटीज हर किसी को है, बीपी की प्रॉब्लम हर किसी को है, हार्ट की कम लोगों को है, लेकिन ये दो प्रॉब्लम ज्यादा है। हाँ, अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है या शुगर का प्रॉब्लम है, साथ में कोविड हो जाता है, तो शुगर को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। कुछ लोगों में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा लो रहते हैं, और बीपी भी कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा हाई रहने लग जाता है, कुछ लोगों में लो रहने लग जाता है। और अगर उनकी एज 60 से ज़्यादा है तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप या तो प्राइवेट में एडमिट होइए, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हैं हमें कोविड में, तो आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज में क्वारंटीन होइए, क्योंकि वहां पे डॉक्टर आपकी ये सब चीजें मॉनिटर करेंगे। इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, आपने 60 प्लस कहा कि 60 के हैं, यंग एज में भी बहुत लोगों को है, डायबिटीज है, बीपी हाई है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये सरकारी में एडमिट हो सकते हैं या घर पे अपना काम कर सकते हैं? अगर इन लोगों का ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है और फीवर इनका 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, खांसी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये घर पे अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो सीटी स्कैन कराने का जरूरत पड़ सकता है, या फीवर नहीं टूट रहा है, 100 से ऊपर है तो हमें रेमडेसिविर नाम की दवाई होती है वो भी देनी पड़ सकती है। तो और अगर शुगर बीपी अगर आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट की या प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं आप एडमिट जरूर होइए यंग पेशेंट की। डॉक्टर सर आपने बहुत खुले से मुझे बताया है, एक मैं आखिरी चीज जानने से आपसे पूछना चाहूंगा कि कोविड के जो मामले प्रदूषण भी लगातार दूसरा मुद्दा है, कोविड बढ़ेगा आगे या कम होगा? देखिए मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से पोल्यूशन है, सर्दियां भी हैं, तो पोल्यूशन से क्या होता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है वो वीक हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2-3 महीने 4 महीने जब तक ये पोल्यूशन है और सर्दियां भी हैं तब तक कोविड के मामले बढ़ेंगे लगातार, जब तक कि हमारी 60-70% पॉपुलेशन इन्फेक्ट नहीं हो जाती और एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती है। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अब इसके बाद मैं बात खत्म करूंगा क्योंकि आपने इतने कीमती समय से आपने निकाला, क्योंकि कोविड की ड्यूटी कर रहे हैं आप, लोग और जो आपके मेरे माध्यम से या पंजाब के नवोदय टाइम्स के माध्यम से आपको लोग देखेंगे, क्या सलाह देंगे? लोगों में डर का माहौल है, किसी को अगर हल्का सा बुखार हुआ, 2 दिन खांसी हुई, हालांकि उसे कोरोना नहीं है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, डेंगू के भी सेम सिम्टम्स हैं, तो लोग डर जाते हैं, लोगों को लगता है मौत हो जाएगी या ये हो जाएगा। आप क्योंकि वरिष्ठ डॉक्टर हैं और कोविड का इलाज कर रहे हैं, तो
इस माध्यम से जो पंजाब केसरी नवदुल टाइम्स चलेगा, क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आप जिस भी डॉक्टर के कांटेक्ट में हैं, अगर आपके घर में किसी भी पेशेंट को कोविड होता है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। वो जो भी आपको कहता है, अगर वो आपको हॉस्पिटल जाने की सलाह दे रहा है तो आप हॉस्पिटल जाइए, अगर वो कह रहे हैं कि घर पे ट्रीटमेंट कीजिए तो घर पे ट्रीटमेंट कीजिए, बट उसके ऊपर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए ही आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं। दूसरी बात है, जो भी हमारे गवर्नमेंट अपने निर्देश जारी करती है उसका पालन कीजिए। अगर आपको कोविड है, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो आप अपने आप को आइसोलेट रखिए। आप कोशिश कीजिए आप कहीं कोविड किसी को स्प्रेड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने घर में स्प्रेड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो बाहर जाके किसी और को स्प्रेड करें, तो उसका स्प्रेडिंग रोकना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड वॉशिंग अच्छे से करनी है, और इसके अलावा डाइट अपनी अच्छी रखें, हेल्दी रखें, पानी लगातार पीते रहें, फ्रूट्स लेते रहें। इसमें एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोविड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और कोविड के साथ अगर कोई आपको दूसरी बीमारी है, शुगर है, बीपी है, इस तरीके की बीमारियों का जो भी आपका ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है वो आप ट्रीटमेंट लेते रहिए। पोल्यूशन में, जो हमारा AQI के माध्यम से नापते हैं, अगर वो 300 से ज़्यादा है तो मॉर्निंग वॉक्स अवॉइड करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, और पोल्यूशन से बच के रहना है। अगर कोई इनहेलर ले रहे हैं तो इनहेलर टाइम से लेना है। रात को घर में वेंटिलेशन अच्छा क्रिएट करना है, दिन में दरवाजे वगैरह बंद रखें, बाहर कम से कम निकलें, घर पे रहें, डाइट अच्छी लें, डॉक्टर की बात माने, इस तरीके से आप अपने आप को कोविड से और पोल्यूशन के खतरों से बचा सकते हैं। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। जो दर्शक जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे सवाल भी लिखे हैं जब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा था, जो गुमराह कर रहे हैं लोग, उनके लिए क्या कहेंगे? लोग डर जाते हैं, जो गुमराह कर लेते हैं लोग वो डर जाते हैं। देखिए, व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आ रहा है उसको आप सबसे पहले देखते ही ट्रस्ट मत कीजिए उसके ऊपर। पहले आप उसका सोर्स देखिए कि कोई गवर्नमेंट का सोर्स है या कोई ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट आपको वो चीज़ बता रहा है, उसके बाद ही आप उस चीज़ पे ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि आप कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आएगा या सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो आप उस पे ट्रस्ट मत कीजिए, पहली बात। अफवाह फैलाई जाती है, नहीं नहीं किसी भी तरीके की नहीं। जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है इसमें 1.5% आ चुका है, पहले ये 3% था, चूंकि अब हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। एक मेन चीज का ध्यान ये रखना है कि जैसे फीवर को घर पे 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाते हैं, कोई यार दोस्त रिश्तेदार कहते हैं कि यार इसमें तो घर पे ही ट्रीटमेंट करना है, हॉस्पिटल मत जाओ, टेस्ट मत कराओ, तो उनकी बात पे यकीन नहीं करना है। अगर 3 दिन 4 दिन तक फीवर नहीं उतर रहा है, फीवर 100 से ऊपर आ रहा है, तो आप एडमिट जरूर होइए, क्योंकि हम हॉस्पिटल में उनके लिए सारे प्रबंध हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम एक्सरे कभी भी कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, रेमडेसिविर दे सकते हैं, CQS दे सकते हैं, स्टीरोइड भी इसमें दिए जाते हैं और ब्लड थिनर भी दिए जाते हैं। तो ब्लड थिनर देना है कि नहीं देना है, स्टीरोइड देना है कि नहीं देना है, IV देना है कि ओरल देना है, ये सारी चीज़ों के डिसीजन डॉक्टर ही ले सकता है, क्योंकि एक बहुत कड़ी मेहनत के बाद एक डॉक्टर बनता है। तो आप ये चीज़ें, क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है तो आप किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आपके ट्रस्ट मत कीजिए। लेकिन कहीं भी आपको, अगर आप घर पे हैं, आपको कोविड है, कहीं भी आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है किसी भी चीज में, तो मैं तो ये सलाह दूंगा आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए और आप एडमिट होइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये समय दिया और आप कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसके लिए सैल्यूट है कि परिवार छोड़ के आदमी कोविड की ड्यूटी करता है। और दूसरा, आपने अफवाहों के लिए जो बोला वो हम दर्शकों को भी दिखाएंगे, और आपने बहुत अच्छा तरीके से अपने विचार रखे और बताया हमें कि कैसे कोविड के अंदर लोगों को बचा सकते हैं और लोग कैसे बच सकते हैं और अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप केसरी नवोदय टाइम्स को अपना समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू।